ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस के 22 बागी विधायक इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, जिसके बाद राज्य की कमान शिवराज सिंह चौहान के हाथों में चली गई, कांग्रेस की सरकार गिर गई। लेकिन अब परेशानियां बीजेपी के समक्ष खड़ी हो गई हैं। आप सब जानते हैं मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। बीजेपी उन सीटों पर सिंधिया समर्थकों को ही मैदान में उतारेगी, जिसकी वजह से बीजेपी के पुराने नेताओं की टेंशन बढ़ गई है। ज़्यादातर नेता अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंतित हो गए हैं कि आखिर अब उनका क्या होगा। विरोध की सुगबुगाह सुनाई देने लगी है, पूर्व मंत्री दीपक जोशी के सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो सिंधिया की राजनीति और उनके समर्थक विधायकों की वजह से भारतीय जनता पार्टी के समक्ष एक मुश्किल खड़ी हो गई है, और ये मुश्किल बीजेपी के नेताओं के सुर बदल रही है। उपचुनाव से पहले नेताओं के बदले सुर से बीजेपी असमंजस में है, क्योंकि सिंधिया के साथ आए लोग तत्कालीन सरकार में मंत्री और विधायक रहे। उन लोगों ने अपने करियर को दांव पर लगाकर बीजेपी का साथ चुना। ऐसे में संभावना कम की है कि बीजेपी उन्हें टिकट नहीं दे। सिंधिया खेमे के लोगों की सीटों पर बीजेपी नेता ही चुनावों में उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी रहे। बीजेपी के लिए उपचुनाव से पहले सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उन नेताओं को कहीं एडजस्ट किया जाए ताकि बगावत ना बढ़े। 3 बार के विधायक और एमपी के पूर्व मंत्री दीपक जोशी के सुर उपचुनाव से पहले बदल गए हैं। उन्होंने बातचीत के दौरान संकेत दिया, यदि उनके साथ राजनीतिक रूप से नाइंसाफी हुई तो वो दूसरे विकल्पों पर विचार कर सकते हैं। दीपक जोशी ने बातचीत करते हुए कहा, अभी मैं पार्टी के साथ हूं, लेकिन मेरे पास कई विकल्प खुले हैं, वक्त आने पर इस पर विचार किया जाएगा। दीपक कहते हैं, अगर राजनीति का यही रूप है तो इसका प्रयोग मैं भी करूंगा, मैं भी मनुष्य हूं। दीपक जोशी के इस बयान के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। पूर्व मंत्री दीपक जोशी के बोल से पार्टी के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई है। आपको बता दें, दीपक जोशी जो हैं वो यहाँ पर बयान तो दे चुके हैं, और उनके बयान से साफ मालूम पड़ता है कि सिंधिया और सिंधिया समर्थकों को अगर बीजेपी तवज्जो देगी तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने साथ को ज़्यादा आगे तक नहीं लेकर जाएंगे। SPN 9 न्यूज़ से मेघा की रिपोर्ट।